Assalamualaikum students this is Javidya khan your english teacher i hope you all are good at your homes so today we are starting our chapter number two the wooden ball take out your books page number 14 so students the summary of this chapter is once upon a time in a small town in germany there lived called kurt he lived with his son manfred and his daughter-in-law la manfred was a carpenter and spent all of his time in a workshop he learned carpentry from his father he made furniture the young couple had a son called wilhelm the little boy liked to sit with his father at workshop day by day he learned to clean the tools and take care of them and his grandfather taught him to shape the wonderful woods. The grandfather was very old now. Day by day, he was getting more older. In the evenings, the whole family sat down at the table. The couple used to angry with their father. One day during the evening meal, the old man dropped his plate on the floor. Tekla began to clean up the floor and they were too angry. After that, they bought a cheap wooden ball for him. The old man was sad. On evening, the couple had finished their work for the day and preparing the evening meal. So students, I hope you will be very good at your home and तो स्टूडेंट्स आज हम नए चैप्टर की तरफ बढ़े हैं और अब हमारा सेकेंड चैप्टर है द बोडन बॉल ठीक है तो इस चैप्टर की समरी ये कि जर्मनी का छोटा सा एक स्मॉल सा टाउन है एक इलाका है जिसका नाम है कर्ट एक बेटा जिसका नाम है मैनफ्रिड और एक उनकी वाइफ डॉटर इन लॉ कहते हैं बेटे की वाइफ को ठेकला मैनफ्रेड जो है वो खुद कारपेंटर है और स्टूडेंट्स वो सारा का सारा टाइम अपने घर के पास जो उसकी वर्कशॉप है जहाँ पे वो कारपेंटर का सारा काम करता है वहाँ पर होता है वहाँ पे पूरा दिन गुजारता है उसने कारपेंट्री कहाँ से सीखी यानी कि काम कहाँ से सीखा था स्टूडेंट्स अपने फादर से उसको पसंद था फर्नीचर बनाना ये यंग कपल जो था यानी कि मैनफ्रिड और टेकला इनका एक बेटा भी था जिसका नाम था तो विलहम ये जो छोटा बेबी था ये जो छोटा बॉय था ये अपने फादर के साथ वर्कशॉप पे बैठा करता था दिन दिन आराम आराम से ये क्या सीखता था कि कैसे टूल्स को साफ़ सुथरा रखते हैं उनकी केयर कैसे करते और अपने ग्रैंडफादर से सीखता था यानी कि दादा से क्या सीखता था कि हम लकड़ियों को वुड को किस तरीके से अच्छे अच्छे खूबसूरत से शेप्स में बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक दिन क्या हुआ कि भाई रोज़ शाम को इनके घर पे सब साथ बैठ के खाना खाते थे जैसे हम सब हमारी फैमिलीज़ में भी तो सब रात का खाना सब सब मिल के खाते ना वैसे इनके घर पे भी खाते थे तो क्योंकि जो बलहन का वल्हन था इसके फादर काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुके थे बूढ़े हो चुके थे तो इसी तरीके से एक दिन सब बैठे हुए खाना खा रहे थे और क्या हुआ कि कपल जो है यानी कि जो विल्हम के पेरेंट्स थे वो एकदम से उसके फादर पे ग़ुस्सा हो गए क्यों क्योंकि एक दिन शाम में खाना खाने खाना खाते वक्त ओल्ड मैन जो था यानी कि उसके जो अबू थे मैनफ्रेड के उनके अब्बू से जो बूढ़े से बहुत थे ना उनके हाथ से उनकी प्लेट गिर गई फ्लोर पे यानी कि ज़मीन पे तो सारे पीसेस बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीसेस जो है फ्लोर पे बिखर गए तो जो उनकी बहू थी यानी कि ठेक टेकला जो थी उन्होंने पूरा गु़स्से के साथ मिल गुस्से और उनके हस्बैंड भी जो थे मैनफ्रेड भी जो थे वो बहुत गु़स्से में आ गए और उन्होंने बहुत ज़्यादा शोर मचाया और उससे सारा फ्लोर वगैरह साफ़ किया ये दिन गुजर जाने के बाद वो दोनों हस्बैंड वाइफ जो है एक बहुत चीप सा यानी कि बहुत सस्ता सा लकड़ी का बॉल ले आए और उन्होंने अपने अबू को ला दे दिया जिसकी वजह से वो जो जो उनके अबू थे यानी कि ओल्ड मैन थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए एक शाम को वैसे ही कपल ने यानी कि उसके पेरेंट्स ने विलहाल के पेरेंट्स ने काम अपना फिनिश किया और अपने शाम के खाने के की तैयारी की सू स्टूडेंट्स अब आगे पढ़ते कि क्या हुआ स्टोरी में द लकडन देअर सन्स रूम बट ही वॉज नॉट दियर मैनफ्रेड हैड नो आइडिया दैट दियर वॉज ही गॉन द कपल बिकेम अ लिटिल वर्ल्ड They looked at the streets, but he was not there. They stepped into the workshop and found their son sitting on the floor. He was cutting a small block of wood and working as hard as he could. He was making a wooden ball for you to eat from when you are old. The parents looked at each other, their eyes filled with tears. She put her around her son. and the three of them went back to the house after this the couple always द the old grandfather to sit with them at the table सो so, स्टूडेंट्स उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन वैसे ही रोज शाम की तरह वो दोनों जो थे अपने खाने की रात की तैयारी कर रहे थे तो उनका जो बेटा था वो मिल नहीं रहा था उन्होंने उसके कमरे में जाके देखा वो वहाँ पर भी नहीं था स्टूडेंट्स उनकी समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ चले गया उन्होंने स्ट्रीट्स पे यानी कि सड़कों पे भी देखा नहीं मिला उनको जब वो वर्कशॉप में गए तो वो क्या देखते हैं कि उनका जो बेटा है वो ज़मीन पे बैठा हुआ है और वो एक छोटे से लकड़ी के पीस को जो है वो काट के शेप दे रहा है एक बॉल का जब वो उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि तुम क्यों काट रहे हो तो वो कहता है जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो फिर मैं आपको भी यही दूंगा जैसे आपने अपने फादर को दिया कि वो तोड़ देंगे तो आप भी जब बूढ़े हो जाएंगे तो आप भी तोड़ देंगे तो जो उसके पेरेंट्स थे वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उनकी आंखों में फ़ौर से आंसू आ गए कि हमारा बेटा हमारे बारे में भी वैसा ही सोच रहा है जैसे आज हम अपने फादर के बारे में सोच रहे हैं ना उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया और वापस से तीनों अपने घर पे गए और उस दिन के बाद से वो कपल यानी कि जो मैन फिट था उसकी बीवी जो थी वो और उनका बेटा अपने ग्रैंडफादर यानी कि दादा अबू के साथ जो है टेबल पे मिल के सब बैठ के खाना बहुत अच्छे तरीके से खाते थे सो so, स्टूडेंट्स हमने आज की स्टोरी से क्या सबक सीखा कि कभी भी हमें अपने बड़ों से बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए उनके साथ बुरा रवैया नहीं करना चाहिए ठीक है नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट लाइट दिस इज़ डिफ़िकल्ट वर्ड सो द फर्स्ट वर्ड इज़ वर्कशॉप Carpenter, wooden, daughter in law, iron, middle, clumsy, clean, grandfather. And carving, so students जैसे कि इसके नीचे note लिखा हुआ है कि write down in your copy तो जैसे हमें school में करते थे difficult words, words meaning, fill in the blanks और what sentences आप तो अपनी school की copy में लिखना है ठीक है, so moving to the next slide, this is words, words meaning, clumsy यानी कि अनाड़ी, couple जोड़े, grandfather दादा, daughter in law बहु Angry? Yani ke So the fling the blanks is in Germany, there lived a man called Kurt. The name of dear son was Wilhelm. The grandfather was very old. He was slow and clumsy. I am making wooden book for you. So students, ye bhi apni? Copy me. करना है ठीक है ना मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड दिस इज एज ऑलवेज व्हाट सेंटेंसेस मेक द सेंटेंसेस ऑफ द गिवन वर्ड्स सो द फर्स्ट वर्ड इज वोट कारपेंटर हाउस एक्सीडेंट एंड क्लमजी सो स्टूडेंट्स इन फाइव वर्ड्स के आप लोगों ने वर्ड सेंटेंसेस खुद से ही बनाने हैं सो योर होमवर्क इज मेक सेंटेंसेस ऑफ द गिवन वर्ड्स डू एक्सरसाइज बी पार्ट वन पार्ट टू ऑन पेज नंबर एटीन इन योर स्कूल बुक ठीक है स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक्सरसाइज बी का पार्ट वन और पार्ट टू अपनी स्कूल बुक पे इंग्लिश टेक्स्ट की बुक में पेज नंबर एटीन पे करना है सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा स्टोरी क्लियर हो गई होगी और फिर भी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे थर्सडे वाले दिन आके स्कूल में अपने पेरेंट्स के साथ पूछ सकता है ठीक है स्टूडेंट्स सो आई होप आप लोग इसका काम बहुत नीट एंड क्लीन करेंगे और प्यारा सा बहुत प्यारा सा अपना टाइटल पेज भी बनाएंगे सो स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया होगा तो अपना भी ख्याल रखिए और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़